सो हेलो वेलकम भाई लोग। तो गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सर्वाइवल सीरीज सीजन 2 वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक फाइनल टाइम के लिए। और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड है बिकॉज इसमें गाइस आप लोगों को काफी सारे चीजें देखने को मिल जाएगा। बहुत कुछ बिल्ड किया है मैंने इस वर्ल्ड पर, फार्म से लेकर कैसल, विलेज ट्रांसफॉर्मेशन और भी काफी सारी चीजें इस वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आप लोगों को जीप फाइल में देने वाला हूँ क्योंकि अभी एमसी वर्ल्ड फाइल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया था बट उस पर काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को प्लीज पूरा देखते रहना। लेकिन उसको दिखाने से पहले आप लोग ये देख लो क्योंकि अभी काफी सारे लोग समझ रहे हैं शायद कि अपने मेन वर्ल्ड को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं, अपने मेन वर्ल्ड बिल्कुल सही है, वो अपने कॉपी वर्ल्ड में था। तो इधर गाइस मेरा सारे सामान है, मतलब मेरे पास जितने भी सामान है उसको मैं इधर ही रख देता हूँ। और इस बुक एंड क्विल में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया है, सारे फ्रांस वगैरह बायोम वगैरह सब कुछ है। और इधर इस सल्कर बॉक्स के अंदर अभी मैं सारी चीज़ें लोड करके रख देता हूँ। तो पिछले टाइम का है मैंने एक्सप्लोर किया था 1.20 में और उधर ही मुझे ये साइलेंस वाला भी मिला था जो बहुत ही रेयर आर्मर ट्री में, तो सब कुछ मैं इधर अभी के लिए रख देता हूँ और आप लोग इधर से ले लेना ठीक है। और अपने आर्मर्स भी शायद मुझे इस सल्कर बॉक्स पर भी डालना पड़ेगा। एंड लास्ट टाइम गाइस थोड़ा बहुत कमेंट आया था कि मेरा आर्मर आप लोगों को नहीं मिल रहा था, बट मैंने तो दिखा दिया था वीडियो के अंदर कि इस बैल के अंदर है, बट ठीक है भाई आप लोग इधर से देख लेना और इसको ले लेना ठीक है। तो चलो अभी जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एंड प्लीज आप लोग इस पार्ट को स्किप मत करना ठीक है। अभी मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। ऑल राइट गाइस, आई मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों ने जो फाइल डाउनलोड किया है उसको जस्ट एक्सट्रैक्ट करके अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर पेस्ट करना है, इतना ही काम है बस। तो lcworld.zip करके ये फाइल है, आप लोगों को ये डाउनलोड वाले जो फाइल है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने तो अभी के लिए इधर ही इसको सेव करके रखा है और अभी मुझे इसको जस्ट एक्सट्रैक्ट करना है एंड इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और ऐसे मुझे एक्सट्रैक्ट करके ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं दिखता है तो आप लोग zworld.zip डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं इस फोल्डर पर इसको एक्सट्रैक्ट अभी के लिए कर लेता हूँ ठीक है। तो अभी तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत टाइम लेगा। ओके गाइस अभी ये हो चुका है एंड इसके अंदर जो फाइल है उस पर ही मेरा मेन वर्ल्ड है ठीक है। तो ये एलसीवर्ल्ड वाला फाइल नहीं, इसके अंदर, तो इस फाइल को मुझे अभी कॉपी करना है। तो अभी जस्ट इसको मैं अभी कॉपी या फिर मूव कर लूंगा अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर जितना मेरा गेम सेव होता है। अगर आप लोग गेम को एप्लीकेशन में सेव करते हो तो आप लोगों को जो गेम्स वाला फोल्डर है वो बाहर दिखेगा और अगर आप लोग एक्सटर्नल पे करते हो तो आप लोगों को एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं जाऊंगा एंड्रॉइड के अंदर, उधर से अभी मैं जाऊंगा डाटा के अंदर और इधर मुझे ढूंढना है com.mojang.minecraft वाले फोल्डर को जो कि इधर है। तो आप लोग देख सकते हो माइनक्राफ्ट का लोगो भी है इसके अंदर। तो अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और अभी इधर मिल जाएगा फाइल्स, फिर इसके अंदर जाना है गेम्स और इसके अंदर com.mojang एंड इधर से गाइस जो सारे के सारे फोल्डर्स है वो देखने को मिल जाएगा और इधर से मुझे जाना है माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर और सिंपली अपने जो फाइल है इसको इधर पेस्ट कर देना है ठीक है। मतलब आप लोगों ने जो फाइल डाउनलोड किया है उसको इधर आप लोग पेस्ट कर दो। तो अभी गाइस थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है, वेट करते हैं। ऑल राइट गाइस अभी अपना वर्ल्ड इंपोर्ट हो चुका है और टोटल इधर 5 वर्ल्ड्स आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो अभी जस्ट मैं सिंपली माइनक्राफ्ट को लॉन्च करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ उधर अपना वर्ल्ड दिखता है या फिर नहीं। ओके तो गाइस अभी अपना गेम ओपन हो चुका है, तो चलो अभी देख लेते हैं अपना वर्ल्ड इधर इंपोर्ट हुआ या फिर नहीं। सो ये देख सकते हो गाइस ये जो टॉप वाला वर्ल्ड है लवली क्लस्टर वर्ल्ड करके, इसको मैं अभी इंपोर्ट कर रहा था एंड आप लोग जब इसको इंपोर्ट कर लोगे तो ऐसा ही इसका नाम होगा ठीक है। और ये मेरा मेन वर्ल्ड है सर्वाइवल सीजन 2 करके और उधर भी 5 वर्ल्ड था एंड इधर भी टोटल 5 वर्ल्ड ही है। सो ये अब गाइस यही था पूरा प्रोसेस एंड अगर आप सब कुछ सही से करते हो तो आप लोगों का भी जो वर्ल्ड है वो इंपोर्ट हो जाएगा एंड सिर्फ मेरे वर्ल्ड ही नहीं, अगर आप किसी का भी वर्ल्ड जी फाइल में डाउनलोड करते हो तो उसको आप लोग इजीली इंपोर्ट कर सकते हो इसी तरीके से ठीक है। तो ठीक है भाई आज की इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने वर्ल्ड की टूर एंड जो मतलब बाकी का जो चीज़ है सब कुछ मैंने दिखा है इस दो वीडियो पर। तो अब उसका भी मैं लिंक आप लोगों को आई कार्ड पर दे दूंगा, आप लोग उधर से जाकर देख लेना। तो बस गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आज का जो वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आया है। अगर आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।